लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन में एक बार फिर दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो सगी बहनों के शव को एक ही पेड़ से लटकते देखा गया, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई और गांव वालों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसपी संजीव सुमन ने पीड़ित परिवार को कहा कि ज्यादा नेतागिरी करोगे तो जेल में डाल दूंगा। पुलिस पर आक्रोशित जनता डटी रही, फिर आईजी ने गांव के लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। नहीं हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद आप सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, मैं तो आप मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन जिम्मेदारी आपसे होगी, आप ग्राम प्रधान हो, मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। किसी को कोई धमकी नहीं है, देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग सही है, पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रहे हैं रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा, आपका जो नंदकिशोर है, नंदकिशोर पागल हो क्या? हाँ, गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटके हुए दो बच्चियों के शव प्राप्त हुए। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं, शरीर पर जाहिर तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा ही बयान लिखने को देंगे और आगे की भी कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सके।